ये पड़ोसी खड़ी है, थार खड़ी है, ओ शिट। हम जा रहे हैं देहरादून से। देहरादून से आओ, तुम बम्बई से आओ, कलकत्ता से आओ, इससे मतलब नहीं है। मेरी धड़कन तेज हो रही है भाई। भाई पुलिस आ जाएगी भाई, क्या जल्दी करो भाई। आप एंट्री करा के आए हमने, कोई आवाज दे रहा है वो है? आप गाली क्यों दे रहे हो? पूछना तो चाहिए था। हाँ जी पूछना चाहिए। अच्छा आप भेज देते हमें अंदर या भेज? बस कैमरा को भी बंद कर लो पहले, पुलिस वाले आ गए उसके बाद होगा। भाई जब सो के उठ रहे हैं भाई, सीन ऐसा था ना, रात को नींद ही नहीं आ रही थी मुझे तो। ये सब तो सो गए थे सारे के सारे। बाकी अभी देखते हैं, आज दोबारा से जाना है, प्लान तो यही बना है, आज थोड़ा अलग सा प्लान है, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस रेडी हो चुके हैं एंड गोल स्टार्ट करते हैं पहले गाड़ी को, और बुलेट भी रेडी है, कर ले इसे भी कोल्ड स्टार्ट। तो अभी हम है सड़कों में गाड़ी चलाते हुए अपनी 390, किसको ढूंढते हुए? सौरभ जोशी। हमारे साथ हमारा एक लड़का भी आ रहा है, उसका भी देखना पड़ेगा। अभी हम कुलचे उलचे खा रहे हैं थोड़ा, और उसके बाद हम निकलेंगे सौरव जोशी के घर से और डायरेक्ट जाएंगे इस बार, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इतनी दूर से आ रखे हैं। तो मैं तो सोच रहा सीधा कॉलोनी में घुस जाएंगे, फिर जाके देखते हैं क्या रहता है। है क्या सीधा कॉलोनी में चले जाएंगे आज? हाँ, देखी जाएगी अभी क्या होगा। जहाँ ज़्यादा केस ही तो लगेगा, केस तो लगते ही रहते हैं हम पे। हंस क्या रहा तेरे पे, लगते हैं ना केस भाई, तुम तो बदमाश रखे यार, तुम तो है लग रखे मेरे पे। आपा आप पे भी केस लगा हुआ ना एक? मैं तो एफआईआर फड़वा चुका हूँ भाई पहले से, मुझे तो पता ही है। इस पे भी लगे हुए केस गाइस, मैं ही बचा हूँ आज, मैं भी लगा लूंगा अपने ऊपर केस। कब से बना रहे हो आप ये? है ज्यादा टाइम नहीं बा? अरे कंचे कंचे आ जाओ, पापा खेल रहे। आता है तेरे को खेलना? हाँ मेरे को भी आता है। आ जाओ बाबा खेलते हैं, फिर सीन सेट करते हैं आज। कहाँ से खेल रहे? अच्छा कैफ आ जाओ, बन गया भाई तो यार, जॉब खा लेते पहले। दोनों शेयर करके खा लेना ठीक है, ये एक और प्लेट लगा। अभी आएंगे हम खेल ले। हाँ खा लो आराम से, वीडियो बना रहे थे क्या? तो विनाश भाई कैसा लग रहा है भूखों को, मतलब जो स्ट्रगल करते हैं अपने पास है प्रोवाइड करने के लिए और आप प्रोवाइड कराते हो? एक ये भी तो अपना भूसा, इसे भी तो करवा रहा। नाइस भाई, अच्छा लगा। देहरादून में कौन है खो गया जो? ये देखो कैसे काम करवा रहा जलील साला, बच्चों से काम करवाते हुए, वो मासूम से बच्चे और तू काम करवा रहे उनसे। अब तू विलेन है मेरी मेरे ब्लॉग का। चले फिर घुस जाए, रुकियो मत ठीक है, चाहे वो जितना भी बोले। चलो तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं कॉलोनी में, और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट अंदर, नो ऑप्शंस। चलो बैठो आओ, देखी जाएगी है फिर क्या ही होगा, ज़्यादा ज़्यादा पुलिस ही आएगी और क्या। तो गाइज हम डायरेक्ट अंदर जाने वाले हैं, तो मेरी फट रही है बट क्या कर सकते हैं गाइज, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पकड़ लो टाइट की, टाइट की पकड़ लो। मैं तो डाल दी भाई। तार खड़ी है मम्मी। अबे थापा इसे बोल वीडियो मत बना भाई, ये पड़ोसी खड़ी है, थार खड़ी है, ओ शिट। जल्दी जल्दी बुला कैफ, जल्दी बुलाए, जल्दी जल्दी नॉक कर रहा, आ जा। इससे तो आएंगे नहीं। बेले आंटी, मैं क्या बोलूँ, यही बोलूँगा। मेरी धड़कन तेज हो रही है भाई। तुझे नहीं बनाना, तुझे नहीं करना, इधर आ, बुलाओ ना यार कोई तो, मैं कहाँ से बुलाऊँ। अरे तू फोन बंद कर भाई अपना, अभी पहले पहले बुला तो ले, बोल ना भैया, बोल भैया। भाई यार मैं भाई फौज किया भाई, थापा भाई जल्दी कर लो, आ जाएगा गार्ड यार, पुलिस बुला देगा वो, जल्दी कर भाई। सौरभ भैया बेल बजा देना,
वो तो री भाई पुलिस आ जाएगी भाई, कैब जल्दी करो भाई। भाई सौरभ जोशी से मिले के अभी भी देख रहा, कह रहा छोड़ अभी रहने दे, देखी जाएगी यार। इतना आ गए अब तो ऐसे कैसे जा सकते हैं यार, कोई तो आ जाओ प्लीज, बहुत दूर से आ रहे हैं। भाई कुछ पेन पेपर है क्या, लिख के चले जाते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, इस नंबर पे कॉल करना बाय। गाइस ये अपनी ड्यूक 390 जो कि सौरभ जोशी के घर के बाहर खड़ी है। बाबा सीन हो जाएंगे यहाँ, मत कर अबे मत बजा पागल है, बाहर खड़े रह रहे बस। गेट बंद कर दिया, कर दिया, कोई नहीं देख लेंगे। अरे वो बुलेट लेके आ रहा, और अब बुलेट लेके रुको ना, गार्ड से भगा दे रहे हैं अब, बिना अंदर पास पास कर रहे हैं। आप एंट्री करा के आए हैं अपने लोग हाँ जी अंकल, हम तो नए हैं ना दर्द। हाँ जी भैया बहुत दूर से आ रहे हैं ना, अच्छा ठीक है जी भैया। टू बी को भैया बहुत पोलाइट थे, भैया ने मतलब बहुत प्यार से बोला, भले ही हमने जो काम किया था हमें खुद पता था हमने क्या किया, ठीक है, पर भैया ने बहुत प्यार से बोला और थैंक यू भैया। भैया बाहर तक कंपनी देंगे हमें आज। तो गाइज ये है थार, ये है पोर्शे, और आपके सौरभ भैया मिल चुके हैं। भाई ये कॉल नहीं है भाई, सौरभ जोशी क्या हुआ? हट उतरो उतरो, कोई नहीं कोई नहीं, चलो मैं चाबी निकाल ले। अरे अंकल जी वो वीडियो बनाने आए थे, वीडियो बनाने यहाँ अंदर, वीडियो बनाने वाला है आपको, आपको यहाँ पर कोई आवाज दे रहा है वो है? आप गाली क्यों दे रहे हो, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना अंकल जी। आप प्यार से बात कर रहे हो तो मैंने भी प्यार से आपको आवाज दी। अंकल जी हम वीडियो बना रहे, पता किधर से आ रहे हैं हम आ रहे हैं देहरादून से। देहरादून से आओ, तुम बम्बई से आओ, कलकत्ता से आओ, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर भी तो कोई आदमी आवाज दे। अच्छा अंकल जी सुनना चाहिए ना। हाँ जी अंकल सुनना नहीं चाहिए, भैया ने कहा हम प्यार से बाहर। हाँ तो भैया ने तो कहा मैं प्यार से आ जाओ, तब भैया ने सुन, भैया मैंने भेजा था वही तो नहीं आई तुमको, वो भाई साहब आप हमारे हेलमेट पहन के देखो अगर आपको देख लो, अगर पहन के देख लो अंकल, स्कूटी बाइक मेरे पास भी है, हेलमेट मेरे पास भी है अंकल, ये वाली बाइक तो कहीं होगी। यू सीरियस? अभी वो पुलिस वाले आ रहे हैं, उसके बाद होगा अंकल, पुलिस वाले आ रहे हैं उसके बाद होगा। भैया ने भी तो प्यार से कहा, तो हमें बाहर बाहर हम तो वेट कर रहे हम तो बाहर ही वेट कर रहे थे। पुलिस आएगी बाहर ही, हम कल पूरे दिन बैठे रहे, कभी तो तुम आज सीधे अंदर निकल गए, कुछ दिन बैठे रहे। अगर पुलिस का चक्कर मत करो अंकल, बहुत दूर से आए बजट बना के अपना, वो तो भैया ने खुद कर दिया है, मैंने थोड़ी कर रखा है। भैया ने तो बहुत प्यार से बोला हमें कि जाओ कोई नहीं बाहर। अंकल पता भैया ने क्या कहा, भैया ने कहा बाहर बैठ जाओ कोई बात नहीं, जो बात हुई है मेरे सामने हुई है, मेरे से हुई है भैया, मेरे से भी तो हुई है, मेरे से बात हुई है, तो उन्होंने तो हमें बस ये कहा कि बाहर चले जाओ वेट कर लो। ये क्या प्यार से कहा, आप लोग अच्छे लग रहे हो, आप लोग बाहर अच्छे करके लग रहे हो कि आप बाहर चले जाओ। अंकल जी आप खुद सोचो, हम इतनी दूर से आ रहे हैं। पूछना तो चाहिए था। हाँ जी पूछना चाहिए, अच्छा आप भेज देते हमें अंदर या बस भेजते या नहीं भेजते वो बात की बात है। हाँ जब आदमी यहाँ पर होगा तभी तो भेजेंगे, आपको वहाँ जा करके मिल गया हो नहीं मिले तो वो आदमी यहाँ पर है ही नहीं, तो हम भेजेंगे कैसे। अंकल जी बहुत दूर से आ रहे थे ना कल, आपको पता हम पता भूखे प्यासे कल वहीं बाहर थे हम, उधर तो हमने नहीं बुला रखा है ना अंकल जी। फिर उसे कहिए कि हम बहुत दूर से आए हैं और हम तो पुलिस वाले हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, ये गेट वाले ने पुलिस वाले बुला दिए हैं, उसको डालो वीडियो में,
अंकल पुलिस का सीन मत करो अंकल, पुलिस का सीन नहीं, गाड़ी का पुलिस सब वो फोटो वोटो ले लिए उन्होंने, उन्होंने ही कहा रखा है, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, उन्होंने कहा रखा है उनको यहाँ पर आप बाकी कुछ मत करना, वो यहीं पर रहो और पुलिस आएगी तभी आप बाहर हो। तनख्वाह दे रहे हैं ड्यूटी है इनकी, आपको इनको आपको इन्होंने आवाज़ दी दो दिन और, चलो आप हेलमेट ले रहे, भैया ने तो सुननी चाहिए थी, मेरे सामने आवाज़ दी इन्होंने ड्यूटी। फालतू पुलिस पुलिस का चक्कर होगा, वो इनसे पूछते हैं किसने कहा है, मेरे को मेरी सी बात हुई है ना, मैंने भेजा है उनको यहाँ से वापस, वो कॉलोनी के ऑनर हैं। हाँ तो उन्होंने तो हमें कितना प्यार, उन्हें तो बहुत प्यार से कहा कि आप बाहर बैठ जाओ, प्यार से ही उन्होंने मेरे से कह रखा है, प्यार से आप बात करके उनको मतलब यहाँ पर बैठाए रखो, पुलिस आ रही है वो उसके बाद भी बिछा देगा। एक बार उन भैया का नंबर दे दो, हम बात करें, हम नंबर नहीं बता दें, तो आप ही बात कर लो, हमारी बात करवा दो, हमारी बात करवा दो ना अंकल, आप ऐसे रोकोगे हमें तो पुलिस का बुलाओगे, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो आए, हमें क्या पता यहाँ का क्या होता है, आपका कोई हमारे पास कोई पूर्व प्रमाण है, आप कॉलोनी के अंदर गए, इधर आ जाओ, तुमने तो कुछ गलत भी नहीं करा अंकल, कि हम शोर मचा रहे हैं, हमने तो कुछ शोर मचा रहे हैं वाली बात नहीं होती है भैया, ऐसा होता है कॉलोनियों में ऐसे नहीं जाया जाता है कभी भी हो, ये आइंदा के लिए भी ध्यान रखा करो, जो आदमी आपको आवाज़ दे रहा है वो पागल आदमी नहीं है, वो चांस मैं नहीं दे सकता भैया, वो भैया ने तो बोला कि बाहर बैठ जाओ, मेरे को यहाँ पर कह के गए हैं कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ और आप क्या कहते हैं इनको यहाँ पर रोके रखो, बाकी आपकी मर्जी, और मैं कुछ अंकल हमारी गाड़ियाँ बाहर करवा दो, हम अंदर रुक जाते हैं, ना गाड़ियाँ ही अंदर रहेंगी, गाड़ियों का आप भले बाहर चले जाओ, गाड़ी अंदर रहेंगी, अरे हम रह जाते हैं अंदर, आप चले जाओ गाड़ियाँ। अंकल आप तो समझ ही नहीं रहे हो यार चीज़ को, सब समझ रहा अंकल, बहुत बहुत दूर से आ रखे हैं, सफर ऐसे कर रखे हैं रात भर ऐसे, आप हो सकता है तो ये कैमरा को भी बंद कर लो भाई, हाँ मैं समझता हूँ, भैया से एक बार बात करा, एक बार भैया से बात करा दो, हम कर लेते हैं। मेरे आर सी नहीं होगी, पता नहीं, भगाने वाला सीन नहीं यार, भगाना नहीं है, एक मिनट फोन देना मेरा, हेलो नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते, क्या हाल है, हाल तो ठीक नहीं है, वो जरा ना मतलब आप यहाँ पे फंस गया मैं, कैसे क्या हुआ, एक कॉलोनी है ना मतलब कर लो अंकल जी, जरा एक मिनट बात कर लो जरा भैया से, हाँ साहब ऐसा है गेट में इनको आवाज़ देने के बाद ये गेट में रुके नहीं, कॉलोनियों में पहले नंबर, अभी देखिए दो तीन और करूँगा, क्यों दिक्कत ले रहा तू, दो तीन और करूँगा, कॉल करूँगा और क्या करूँगा, तू क्या यहाँ मजाक ले रहा मुझे है, ठीक है भैया अभी करता हूँ मैं आपको कॉल, ठीक है अभी ये कह रहे जाओ, ठीक है भैया अभी कर रहा मैं आपको, नहीं नमस्ते तो बोल दूँ, अरे रुक जाओ ना पता ना कर रहा, ओके ठीक है थैंक यू, अगली बार से हम नहीं आएंगे है ना आपके, उसे अगर आएंगे भी तो हम बाहर रुकेंगे बस, ठीक है अंकल जी, तरफ पूरा तो लगेगा यार सब देखा हूँ, हाँ। मैं जानने पहचानने के बाद ही आप अंदर बाहर गया हो जी, दो मिनट गेट में रोक लेना, ठीक है अंकल जी, अगली बार पक्का हेल्प कर दो, बता दो कहाँ गए क्या मतलब, अब वो उनको नहीं पता होगा ना, ठीक है धन्यवाद अंकल जी, ओके ठीक है, मजाक ले रहे हो क्या आप मुझे, वो तो मुझे पता था, हाँ जी भैया वो छोड़ दिया उन्होंने हमें, ठीक है अरे अब क्या करूँ आपको भी पता है, वीडियो बनाता हूँ मैं तब थोड़ा, जी जी ठीक है भैया, ठीक है ओके थैंक यू भैया, ठीक है सिस्टम पैड के। तो बॉयज एंड गर्ल्स आपको पता चल गया कि सीन क्या था, देखो गलती ना हमारी थी वैसे मैं मानता हूँ, बट क्या करूँ यार कल हम पूरा दिन थे बाहर, एंड आपको भी होता है कि जब इंसान कहीं बाहर आ रखा होता है इतना पैसा खर्च करके तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो यही सीन हुआ, क्या हो गया भैया छोड़ दो भैया, अबे चल मैंने बोला मैं तुझे पहले ही बोल दिया, वो बना रहा है काट रहा है अपना, है वो तो पता ही चलेगा अभी देखना,
गाइस ऐसे मत आया करो भाई, इतनी बहरस से आए थे यार। चलो कोई नहीं, बट ठीक है भाई, मजा आ गया। अब गाइस अभी का सीन ये, हमने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी, तो अभी हम जा रहे हैं गेमर फ्रीट के यहाँ। एंड ये अगले वाले ब्लॉग में दिखेगा, अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, गेमर फ्रीट वाला पार्ट यहाँ से कट जाएगा और नया ब्लॉग स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इनका तो हुआ नहीं। कोई नहीं, अगली बार सही, कभी जब बड़ा यूट्यूबर बन के आऊँगा ना, फिर खुद बैठूंगा, ऐसा ही सिस्टम बनाएंगे। ठीक है फिर, तो आप